किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की पौध के बारे में कि धान की पौध को अच्छा कैसे बनाएं, उसको हरा भरा और स्वस्थ कैसे रखें, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आइए किसान साथियों जानते हैं कि पौध का हरा भरा और स्वस्थ रखने का क्या उपाय है। किसान साथियों, हम धान की पौध का जो बीज है वो एक कनाल भूमि के अंदर 40 किलो डाल। किसान साथियों, जब हमारी पौध 10 से 12 दिन की हो जाती है तो वो पीली पड़ जाती है, उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं होती, हमारी पौध अच्छे तरीके से नहीं चलती। तो किसान साथियों, पौध को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी अच्छी बढ़वार के लिए हम उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट 33% जो मार्केट में उपलब्ध है वो 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 70 से 80 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम, यूरिया 100 ग्राम, इन सब का घोल बनाकर किसान साथियों हम 15 से 20 लीटर वाली टंकी में डालकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो प्राप्त होते हैं, पौध हमारी अच्छी स्वस्थ और हरी भरी हो जाती है। और पौध जो हरी भरी हो जाती है उसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी पौध अच्छी होगी तो रोपाई के बाद उसमें फुटाव ज़्यादा होगा तो उसके कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, और ज़्यादा कल्ले निकलने से हमारा उत्पादन जो है वो अच्छा होगा। किसान साथियों, अगर आपको लग रहा है कि हमारी पौध चल नहीं रही है लेकिन हरी है, उसमें कोई बढ़वार दिखाई नहीं दे रही है, तो किसान साथियों तब भी हम ये स्प्रे अपनी धान की पौध में कर सकते हैं, जिसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट जो हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो किसान साथियों, ये प्रयास आपको हमारा कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएँ। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।